थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये राबोड़ी परिसर का माह रमजान के दौरान ये मेन गेट के सामने हम खड़े हैं, जहां पर हम एक ऐसी शख्सियत को मिलने आए जिनका नाम इस्माइल तांबोली है। हाल ही में बताया गया कि 1 से 1.5 लाख के लगभग का एक ऐसा लैपटॉप शाह बोलकर पैसेंजर थे उनसे ये मिस हो गया। देखने वाली बात यह है कि जो लैपटॉप, जो आईपैड था, जिसको बड़ी बखूबी ईमानदारी के साथ में इस्माइल तांबोली जिन्होंने लौटा कर एक सहकार्य किया, और जिसके साथ में आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश पाटिल जो अध्यक्ष है बीजू नाटेकर यूनियन की तरफ से थाना, जिनका एक हाल ही में पत्र अनुरोध हुआ है, तो हम इस्माइल तांबोली जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरीके से बखूबी इस माह रमजान में रोजे की हालत होते हुए भी अपने कस्टमर को, अपने पैसेंजर को किस तरीके से आपने वो आईपैड को लौटाया। तो इस्माइल तांबोली सर, थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें ऋषिकेश पाटिल जो यूनियन लीडर है बीजू नाटेकर थाने स्टेशन पर, और उन्होंने कुछ ऐसी हमें बात भी कही थी कि इस्माइल तांबोली जो है उनके एक आईपैड का मसला था, जो आईपैड एक कस्टमर, एक पैसेंजर छोड़ चुका था, भूल गया था, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ इस माह रमज़ान में रोजे की हालत में होते हुए भी उन्होंने इस आईपैड को हमारे यूनियन में जमा किया, जिसके बाद हमने उन कस्टमर को ये आईपैड पहुँचाया। तो इसके बारे में आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। आप मेरे को जो आया था वो मिला तो एक रिक्शा वाला मेरे गाड़ी के अंदर हाथ डाला, बोला बैग क्या है जी, तो रिक्शा वाला मेरे पहचान का है नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोला कि काहे को तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाता जी, वो चीज़ वैसे रहना दे, मैं 4 दिन 8 दिन देखेगा, उसके बाद सामने वाला कोई नहीं आएगा तो मैं पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देगा, यही उसको बोला था। उसके बाद वो बंदे ने ये थाना स्टेशन पर जाके ने कैमरा चेक किया ट्रैफिक ऑफिस में, तो उसको ट्रैफिक ऑफिस में जाने के बाद उसको ट्रैफिक वाले ने बोला कि इसके नाम फिर एन सी दे दो जी, तो आपको चीज़ मिल जाएगी जी। तो बोला ऐसा कैसा दूँ, मेरे हाथ की गलती है, मैं उसके अंदर भूल गया, बंदे को मैं फंसा दूँ, इसके लिए बंदे ने नहीं केस किया, उसने पुलिस स्टेशन नहीं गया, उसने जाके मेरे को यूनियन वाले को पूछा, यूनियन वाले को साथ में लिया, बोला कैमरे में बाकायदे साथ में दिखता है, तो यूनियन वाला बोला कि मैं तुमको बता देता हूँ इसका रूम भी, आप बात कर लेंगे, बोले उसके साथ में जाके। वो आए मेरे पास, वो आने के बाद मेरे को सलाम दुआ हो गए, सलाम दुआ होने के बाद हाथ में हाथ दिया, मुसाफर मिला, मुसाफर मिलने के बाद उन लोग ने बोले चीज़ मिली क्या, बोला हाँ भाई मेरे को मिली है, फलाना आदमी हाथ डाल रहा था, उस चीज़ को मैं हासिल कर लिया हूँ, अपने घर पे लाके छोड़ रख दिया हूँ, क्योंकि वो गाड़ी मेरी कम से कम मेरे घर से 25 से 30 मीटर पे दूरी पे गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ कोई बीच में कोई नहीं रहता है, इसके लिए मैं अपने वो चीज़ उठा के घर पे ले जाके रखा बांध बुन के लिए, और मोहला कल मैं धंधे पर 5 बजे के बाद जाऊँगा, ये चीज़ को लेके चले जाऊँगा, तो बंदा कोई मिलेगा तो मैं उसको दे दूँगा जी। तो ये बंदे लोग आ गए सवेरे 12:30-12:30 बजे, ये बंदे बोले कि वो चीज़ मिली है, बोला हाँ भाई मिली है, मेरे को रख के कोई मतलब नहीं है, जब बंदा मिलेगा मैं उसको दे दूँगा, उसके को मैं कॉन्टैक्ट नंबर देगा खोल के नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मैं सामने वाले को बोला भाई बैग में इसके लिए खोला कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा तो मैं आपको फ़ोन कर सके मेरे मोबाइल से, मगर उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर सका, गलती मेरी ये है, दूसरी और कुछ बात नहीं। अब फिर वो बंदे लोग ने मेरे को मिला वो चीज़ मैं हासिल करने के बाद, उन लोग को देने के बाद वो लोग ने मेरे को 500 रुपये दे, 500 रुपये का ये नोट का नंबर भी है जी, ये नोट के साथ। अच्छा, उन्होंने 500 रुपये आपको बख्शीश भी दिए? बख्शीश, मैं बोला कि मेरे को नहीं जायज़ है, बोले क्यों, बोले हम हमारे खुशी से दे रहे, मतलब ये जायज़ नहीं मेरे को, मैं हाजी हूँ जी क्या, तो बोला मैं बोला ये 500 रुपये तुम दे रहे, मैं कोई एटीएम खाने में ले जाके दे दूँगा, ये बात हो गई बस, इसके आगे मेरा आरोप। तो अभी हम हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जैसा किसी की चीज़ आपको मिली थी और जिम्मेदारी से आपने उसको लौटा दिया, तो आपको दिली सुकून कैसा महसूस हो रहा है? क्यों, तो मेरे को एकदम महसूस होगा कि एकदम बहुत अच्छा मैं काम किया, कि मैं आगे से मैं रखता है, मैं ऊपर वाले को क्या बताऊँगा जी, इसके लिए मैं वो चीज़ वापस लौटा दिया, मैं हाजी हूँ, ये चोरी चमारी का धंधा मेरे को नहीं चाहिए, मैं कस्टमर जो भी बढ़ता है सामने वाला 1-2 रुपया नहीं करके बोलता मैं छोड़ देता हूँ, मगर मेरे पास का जाएगा चलेगा, मैं सामने वाले का ज़्यादा पैसा मैं नहीं लेता हूँ जी, क्यों, तो मेरे को जायज़ नहीं है सामने वाले का पैसा ज़्यादा लेना आपका। तो थाना के अंदर जितने भी ऑटो चालक मालक जितने भी हैं, तो आप उनको हमारे इस थाने दहशत के चैनल के माध्यम से आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? यही ईमानदारी को, भाई ईमानदारी से आप सोचो और ईमानदारी ही करो, ईमानदारी के अंदर जो फायदा है मकसद है वो दूसरे काम में नहीं है, आए चोरी चमारे करने में नाम बदनाम होगा और एक के साथ में सबको रगड़ा जाएगा, इसके लिए नहीं बदनाम, हम सबको यही समझाते हैं किसी भी चीज़ मिली 4 दिन 8 दिन देखो रख के, नहीं मिलता है तो छोड़ दो, क्यों, तो इंडियन ऑफिस वाले की इंडियन ऑफिस आया ही नहीं है, इंडियन वाले की इंडियन ऑफिस नहीं है, खाली खुर्चे लगा के बैठते तो वो भी म्यूनसिपलिटी वाले ने उठा के लेके गए, इसके लिए कोई बंदे दिखते नहीं, इसके लिए हम लोग
ये चीज रख के 4 दिन 8 दिन के बाद देना पड़ता पुलिस चौकी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा सा संदेशा गया है कि आपकी ईमानदारी को देखकर, वरना अक्सर लोग बोलते हैं कि लिबास को देखने के बाद कहीं ना कहीं आदमी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर शक को शुबा की निगाह से देखता है। गलत बोल रहे हैं आप जी, क्या ये सच नहीं है? जो भी कहो मुस्लिम बंदा रहेगा वो सच ही बोलेगा, वो सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। तो देखिए हमारे साथ में इस्माइल तांबोली सर, जिन्होंने बड़ी इत्मीनान के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो आईपैड उनको मिला था, जिसकी कीमत हमने बताया 1 से 1.5 लाख रुपए के करीबन थी, उन्होंने वो चीज़ अपने कस्टमर को, अपने पैसेंजर को लौटा दी और इन्हें बहुत उस काम को लेकर दिली सुकून है। तो हम इनको भी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इनकी ईमानदारी को देखते हुए, और आगे भी लोगों को एक ऐसा संदेश जाता है कि ईमानदारी के अंदर, हलाल रोज़ी के अंदर, हलाल कमाई के अंदर हिकमत भी है, ताकत भी है, उस अल्लाह उस ईश्वर की मदद भी मिलती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम हमारे तमाम ही देखने वाले सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को लाइक करने के लिए कहेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस न्यूज़ चैनल को शेयर करने के लिए कहेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे एपिसोड को आप पसंद करते रहें और हमें अपना संयम हमेशा देखते रहें। और देखा गया कि इस्माइल तांबोली सर ने जो ईमानदारी के साथ जो ये काम को बखूबी निभाया है, हम दोबारा से इनको दिली मुबारकबाद देते हैं इस काम को सराहना करते हुए। ऋषिकेश पाटिल जो विजू नाटेकर यूनियन से हैं, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि उनका कॉरपोरेशन रहा तभी वो लोग इकट्ठे हुए, इस्माइल तांबोली साहब को वो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और ये चीज़ को उन्होंने बखूबी उन्हें लौटाई। तो ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।